अगर कोई पत्नी अपने पति से इस कारण से तलाक ले सकती है कि वह बहुत ही ज्यादा शराब पीता है, अपनी ड्यूटी से पीछे भागता है और मुझे घर खर्च में कोई भी हिस्सा नहीं देता और पैसे की नीट को कंप्लीट नहीं करता। ऐसा ही केस आया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट स्टेट में। केस का नाम है पायल शर्मा वर्सेस उमेश शर्मा का यह केस है। पत्नी का कहना है कि यह सारा पैसा अपने शराब में उड़ा देते, दिन भर नशे में डूबे रहते, घर में काम भी करते नहीं है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भागते और जो भी यह पैसा कमाते हैं, एक लौते पर्सन है जो पैसा कमाते हैं, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे कमाने नहीं दिया जाता। तो एक लौते पर्सन है जो पैसा कमाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं पीछे, क्योंकि जो भी इनका पैसा आता है वो शराब में उड़ा देते हैं, शराब में खर्चा कर देते हैं। अगर इनके पास पैसा आता है और शराब पीते हैं तो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, के साथ साथ मेरे बच्चों के साथ भी गलत व्यवहार करते हैं। अगर उनके जो शराब के लिए पैसे की कमी हो जाती है तो घर के सामान भी बेच देते हैं। तो इस कंडीशन में पति ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ। तो कोर्ट का कहना है कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि वह एक लौता पर्सन है जो घर में पैसे लाता है, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी वाइफ की और उसके बच्चे की, उसके फीस की, उसके खाने की, उसके घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन पर है। मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर के, अपने वाइफ के, अपने पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भागता है, मेंटल टॉर्चर देता है, मतलब मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है। फैमिली लॉ के अंतर्गत अगर कोई भी पर्सन इस तरीके से मेंटल टॉर्चर करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भागता है, तो उसे तलाक दिया जा सकता है। फैमिली लॉ के अंतर्गत यह कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अंतर्गत 2006 में इनकी शादी हुई थी, तो इसे तलाक देने के लिए मजबूरी दी जाती है और चेतावनी दी जाती है पति को, और महिला के लिए एक सुरक्षा एनवायरनमेंट देना और उसके साथ साथ उन्हें पर मंथ 15,000 रुपये उनके खाने, फीस और बच्चे के देखभाल के लिए 15,000 देना कंपलसरी होगा, मतलब मेंटेनेंस देना होगा। तो इस जजमेंट में जब भी कोई पर्सन जब वह घरेलू हिंसा करता है, मेंटल टॉर्चर करता है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भागता है, तब इस कंडीशन में हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत तलाक दिया जा सकता है।